नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैलरी के फोटो को पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आप कोई भी फोटो को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फोटो से पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके फ़ोन में ढूंढ लेना एक फोटोज नेम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, ये किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, सभी एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाता है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन के जितने भी फ़ोटो होंगे, यहाँ पे सभी फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, जिस भी फ़ोटो को आपको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ बनाना है, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन में वो फ़ोटो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर दिखाई दे रहे थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको साइड स्क्रॉल कर लेना है। साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट, आपको प्रिंट पर क्लिक कर लेना है। जिसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो शो हो जाएगा। और यहाँ पे पेपर साइज आपको मिलता है, इस पर क्लिक करके अगर आप पेपर साइज कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से पेपर साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं सिलेक्ट करना है तो आप कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक कर लेना है। पीडीएफ का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऐसा पेज निकल कर आएगा। अब नीचे से आपको क्या करना है, अपने पीडीएफ फाइल का नेम दे देना, जो भी आप अपने पीडीएफ फाइल का नेम देना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी पीडीएफ फाइल का नेम दे देना है। जैसे कि हमने अपने नेम का पीडीएफ बनाया, तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल का आपको नेम दे देना है। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, तो ये पीडीएफ आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो आपको इसे देखने के लिए क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों फाइल मैनेजर सभी फ़ोन में मिलता है, तो आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। और दोस्तों यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स ढूँढ लेना है। डॉक्यूमेंट्स ढूँढेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो भी आपने अपने पीडीएफ का नेम दिया होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमने नेम दिया था, वो हमें मिल चुका है। आपको पीडीएफ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको पीडीएफ चूज कर लेना है। जैसे आप पीडीएफ चूज करेंगे, तो दोस्तों ये पीडीएफ दोस्तों ओपन हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं हमारा कुछ इस प्रकार से वो फोटो। और दोस्तों इस पीडीएफ को आप किसी के पास शेयर करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ से एक स्टेप पीछे आना है। और दोस्तों आपको इस पीडीएफ को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको नीचे मिलेगा शेयर, शेयर पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, यहाँ से आपको सभी मिल जाएंगे। यहाँ से आप चूज करके वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से किसी भी फोटो को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस